माय चैनल, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं माय चैनल कुक फूड पैराडाइज। आज हम बनाने जा रही हूँ गार्लिक चीज़ ब्रेड स्टिक्स और बहुत ही इजीली फटाफट से बन जाती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और कुछ खाने का मन कर रहा है या अपने बच्चों को खिलाने का मन कर रहा है तो इसे फटाफट से आप रेडी कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पर एक बॉल, उसमें डाल देंगे आधा कप बटर, आधा कप गार्लिक क्रस्ट किया हुआ, हाफ कप कोरिएंडर चॉप्ड किया हुआ और सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सबको मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स जो कि मेरा 2 टीस्पून। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिया है मैंने 2 स्लाइस ब्रेड के और 1 स्लाइस पे हम बटर का जो मिक्सचर रेडी किया हुआ था वो हम लगा देंगे अच्छे से चारों तरफ से स्प्रेड करके। और उसके बाद इसमें हम लगाएंगे मोज़ेरेला चीज़। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में करके मोज़ेरेला चीज़ डाला है। उसके बाद यहाँ पे डाल रही हूँ मैं अमूल चीज़ क्यूब ग्रेट करके। इससे जो होता है हमारा गार्लिक ब्रेड का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। और उसके बाद इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ कैप्सिकम। आप चाहे तो कॉर्न या पनीर या टोमेटोज़ वगैरह भी आप डाल सकते हैं। और सेकंड स्लाइस में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सेजवान सॉस। सबको अच्छे से स्प्रेड कर देना है सेजवान सॉस को चारों तरफ से अच्छे से, और उस स्लाइस को पहले वाले स्लाइस के ऊपर इस तरह से हम रख देंगे। और ऊपर में हम बटर का जो मिक्सचर था वो भी हम लगा देंगे अच्छे से चारों तरफ से स्प्रेड करके। उसके बाद यहाँ पे मैंने तवा को गर्म कर लिया है और ब्रेड के स्लाइस को हम जिधर से बटर का जो मिक्सचर हमने लगाया हुआ था उस साइड से रख देंगे और दूसरे साइड भी हम बटर का मिक्सचर इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद लगाने के बाद इसे हम दूसरी साइड पलट देंगे और इसे हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए ताकि हमारा जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट हमारे हो चुके हैं और उसके बाद इसे हम दूसरे साइड पलट देंगे और इसे अच्छे से सेक लेना है हमें गोल्डन ब्राउन होने तक। इसे हम अच्छे से प्रेस करके गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है और दोनों तरफ से हमारा अच्छे से सेक चुका है और ये हमारा रेडी है। तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। उसी तरह से हम नेक्स्ट स्लाइस भी रेडी करेंगे जैसे हमने पहले वाला किया हुआ था बिल्कुल उसी तरह से। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से किया हुआ है और पहले वाले की तरह ही दूसरे वाले को भी हम अच्छे से सेक लेंगे और इसे हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारा गार्लिक चीज़ ब्रेड स्टिक्स बिल्कुल रेडी है और इसे हम काट लेंगे स्टिक के शेप में। और ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। जितना टेस्टी लग रहा है देखने में खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे रेड चटनी या ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फटाफट से इसे रेडी कर सकते हैं। यह बहुत ही ईजी वे में बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।